तो हम देखें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी निबंध के संदर्भ में, जो कि 68वीं बीपीएससी में आया हुआ है, और उस पर आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन था, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छई और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई। देखिए, ये मैथिली में प्रचलित ये कहावत है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार की संस्कृति में, मिथिला की संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और मिथिला की बिहार की संस्कृति में एक विशिष्ट पहचान भी है। तो मिथिला की संस्कृति में ये जो मुहावरा प्रचलित है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छई, नांगर छई का क्या मतलब हुआ? नांगर छई का मतलब हुआ कि अगर धर्म नहीं है विज्ञान में, तो विज्ञान लंगड़ा है, और फिर विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छई, यानी विज्ञान धर्म में नहीं है, तो इस स्थिति में धर्म जो है एक तरह से अंधा है, राइट? तो इससे जो लोकोक्ति है, ये जो मुहावरा है, इसका सही संदर्भ क्या हुआ कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अब इसको ठीक से आप समझिए कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, तो यहाँ दो पहलू ध्यान में रखना है कि हमें दो चीज़ों के बारे में हमें सोचना है, एक तो धर्म और दूसरा विज्ञान। तो विज्ञान आप किसको कहते हैं और धर्म आप किसको कहते हैं, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। और देखिए, विज्ञान जहाँ तक हम लोग यहाँ पर विज्ञान का संदर्भ है, तो विज्ञान का मतलब प्राकृतिक विज्ञान से है, और जब प्राकृतिक विज्ञान की आप बात करते हैं तो प्राकृतिक विज्ञान की कुछ विशिष्टताएं होती है। प्राकृतिक विज्ञान की क्या विशिष्टता है कि प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के उन मूलभूत चीज़ों का अध्ययन करता है, और अध्ययन के क्रम में प्राकृतिक विज्ञान जो है कुछ महत्वपूर्ण मेथड का अनुसरण करता है। जैसे जब विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है, ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होता है। विज्ञान में कार्य कारण संबंध होता है। विज्ञान का अध्ययन अनुसंधान प्रयोग पर आधारित होता है, और विज्ञान में जो तथ्य प्राप्त होते हैं वह तथ्य यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। यानी जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान पूरी तरह से साइंटिफिक है, उसमें वस्तुनिष्ठा की अपेक्षा रखी जाती है, उसमें कार्य कारण संबंधों की अपेक्षा रखी जाती है, और साथ ही साथ उसके जो अनुसंधान होते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, उसके तथ्य जो होते हैं वो तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन अगर इस विज्ञान की अवधारणा को अगर आप इस कोटेशन से संबद्ध करें, तो कोटेशन में कहा जा रहा है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छई, यानी विज्ञान में धर्म नहीं है तो विज्ञान लंगड़ा है। अब इसका सही संदर्भ आप समझिए कि अगर विज्ञान में धर्म नहीं है तो विज्ञान लंगड़ा कैसे है, और यहाँ धर्म का मतलब क्या है। देखिए, धर्म की जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक अवधारणा है। एक बहुत ही संकीर्ण अर्थ में लोग धर्म को समझते हैं कि धर्म ईश्वर के प्रति अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास एवं कर्मकांड है। इससे व्यापक अर्थ में हम धर्म को लेते हैं कि धर्म सामाजिक विधान है, सोशल रूल है, सोशल रेगुलेशन है, और धर्म को नैतिकता के रूप में भी लिया जाता है, राइट? धर्म नैतिकता है। तो अगर विज्ञान के संदर्भ में धर्म का जो अर्थ लिया जाए, खास करके इस मुहावरे के अंतर्गत, तो यहां धर्म का मतलब नैतिकता से है, क्योंकि विज्ञान जो कि प्रकृति का अध्ययन करता है, मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए अध्ययन करता है, लेकिन विज्ञान में अगर नैतिकता नहीं है तो विज्ञान का जो उद्देश्य है मानव कल्याण, मानव के जीवन को सुगम बनाना,
ये विज्ञान का उपयोग विध्वंसक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है और किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुका है, तो उन विश्व युद्धों में विज्ञान का उपयोग मानव की नरसंहार के लिए किया गया, राइट। और कई तरह के ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च हैं जिनका समाज की नैतिकता पर, समाज की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै का मतलब ये है कि विज्ञान को भी नैतिकता आधारित होना चाहिए। अगर विज्ञान नैतिकता आधारित नहीं है, अगर विज्ञान में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य शामिल नहीं है, अगर विज्ञान मानव हित में कार्य नहीं कर रहा, अगर विज्ञान प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कार्य नहीं कर रहा, तो एक तरह से विज्ञान लंगड़ा है, अधूरा है, अपूर्ण है। तो एक तो इसमें सेंस आपको इसको लिखना है। दूसरा जो सेंस है कि विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै, यानी विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। तो देखिए, धर्म का जो संबंध मैंने बताया कि धर्म जब बात करते हैं तो धर्म की एक व्यापक अवधारणा है, और व्यापक तौर पे अगर धर्म को आप देखें तो धर्म नैतिकता है। लेकिन कई जगह धर्म को संकीर्ण अर्थ में लोग लेते हैं, और संकीर्ण अर्थ में लेते हैं तो उसके साथ साथ कई तरह की अंधविश्वास भी प्रचलित है। क्योंकि जब धर्म को आप बहुत संकीर्ण अर्थ में लेते हैं तो धर्म का संबंध अलौकिक दुनिया से होता है, और अलौकिक दुनिया के बारे में बहुत हम कम जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप धर्म में विज्ञान नहीं है, इसका मतलब है कि धर्म के जो विश्वास हैं, धर्म की जो व्यवस्था है, धर्म के जो क्रियाकलाप हैं, धर्म के जो कर्मकांड हैं, उन सारी व्यवस्था को विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। विज्ञान पर आधारित होने का मतलब क्या है? विज्ञान पर आधारित होने का मतलब है कि उसमें तर्क पर आधारित होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, उसका उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, उसका उद्देश्य सामाजिक विकास होना चाहिए, उसका उद्देश्य समाज में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना होना चाहिए, उसका उद्देश्य समाज में नैतिकता की स्थापना करना होना चाहिए। न कि धर्म के नाम पर संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, मानव मानव के बीच वैमनस्य कायम करना, मानव मानव के बीच युद्ध कराना, ये धर्म का काम नहीं है। और ऐसा भी हुआ है इतिहास में, आप देखेंगे तो धर्म युद्ध, धर्म के नाम पर बड़ी पैमाने पर नरसंहार हुए हैं, लोग आपस में लड़े हैं, मरे हैं, और कई वर्षों तक धर्म युद्ध हुआ है इस विश्व में। तो अगर आप इस पे ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो संदर्भ ये है कि इन संदर्भों को समझते हुए आप कंटेंट को तैयार करके और आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सही संदर्भ को समझें और उसके अनुरूप कंटेंट का डेवलपमेंट करें।